हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय स्टडी चैनल बेसिक एकेडमी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा, जिसमें कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि हम लोग उसमें कोई काम कंप्लीट हो चुका रहता है, जैसे कि कोई जैसे रोहन खा चुका है, सोहन गा चुका है, सोहन जा चुका है, इस तरीके से क्या उसमें कोई कंप्लीट नेम होगा, कंप्लीट कोई ना कोई काम हो चुका होगा। जैसे कि ट्रेन जा चुकी है, ट्रेन जा चुकी है, और जैसे कि हम और सारे क्या कर सकते हैं, मीरा अपना काम कर चुकी है, मीरा अपना काम कर चुकी है, जिसमें कोई परफेक्ट का मतलब जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट का जो काम जो चल रहा है स्टार्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट हो चुका, पूर्ण हो चुका है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मीरा अपना काम कर चुकी है। अब इसके अगर पहचान की बात करें तो इसका रूप से भी होता है पहचान, तो क्या होती है इसको कैसे पहचान है कौन सा टेंस है। अगर पहचान की बात करें पहचान कि कैसे इसको इंट्रोड्यूस होंगे या फिर कैसे इसको हम जानते हैं, तो पहचान में क्या होता है वाक्य के अंत में चुके हैं और आ ई ए आदि आते रहते हैं, आदि आते हैं। जैसे कि मैं व्यापक कर रही हूं सेंटेंस, वह अपने घर जा चुका है, तुम इस काम को कर चुके हो, सीता अपना कपड़ा साफ कर चुकी है। तो इसमें आप कोई सा भी देख सकते हो, वह अपने घर जा चुका है, लास्ट में चुका आ रहा है, इससे हमारे पहचान हो सकती है, चुके हैं चुकी है, किस वह अपने घर जा चुका है, तो इसमें अस्पचर इसमें आ भी आ रहा है, लास्ट में चुका आ रहा है, इसमें चुके का मतलब एक आ रहा है, इसके बाद इसमें क्या आ रहा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से इसी सेंटेंस की पहचान होती है। इसका रूल्स क्या होता है, जनरली अफर्मेटिव रूल की बात करें, अफर्मेटिव रूल सबसे पहले इसमें क्या शब्द किसकी नहीं बनती है, जैसे सारे सब्जेक्ट में सारे टेंस में भी वही सबसे पहले सब्जेक्ट किस नहीं बनती है, उसमें सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद आए किसका नंबर आएगा, इसमें हैव में बनती हैज या फिर हैज आएगा या फिर हैव, इसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लूरल। अब हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब बताएंगे, तो जैसे कि अब हम इसे स्टेंस को करना चाहें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कैसे है, सब्जेक्ट इसमें वर्ब है, जैसा कि मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होती है, हेडिंग वर्ब क्या होती है, सारी चीजें बता चुके हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या आ जाएगा आपका वर्ब, वर्ब क्या होता है कि इसके बाद आता हैज या है, अच्छा इसमें हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर
सब्जेक्ट रहता है और जो हैव है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही होता है। तो आज सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगलर है, ही सिंगलर होता है, सिंगलर के साथ क्या रहेंगे हैज करेंगे, ही हैज। जाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, जाने इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, जाना। जाने का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, ही हैज गॉन, कहां पे जा चुका है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे अपने घर, गॉन टू इज होम तरीके से। सेकंड क्या है, अगर सेकंड सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट इसमें तुम का होता है, इसके बाद हमारा तुरंत आता है हैव नोट, हैव नोट क्या है, ऐसा है हम यू को प्लूरल काउंट करते हैं, जैसा कि मैंने कल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि प्लूरल कौन से सब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो यहाँ पे यू के साथ क्या है, यू को हम प्लूरल काउंट करते हैं, यू हैव। इसके बाद करना, इसमें मेन वर्ब है करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म पे करना क्या होता है, डू डस डन, क्या कह रहे हैं हमारा थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। इसके बाद क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इसमें, इस काम को, इस काम क्या होता है, दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, सीता अपना कपड़ा साफ कर चुकी है, तो सीता के, सीता क्या आता है हमारा सिंगल सब्जेक्ट और सीता, इसके बाद हैज आएगा, हैज आएगा सिंगल सब्जेक्ट, हैज आएगा सीता हैज। अब इसके बाद साफ करना, साफ करने का क्या होता है, थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश वॉश वॉश, तो वॉश हो जाएगा, थर्ड फॉर्म होता है वॉश। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट क्या, अपना कपड़ा, अपना कपड़ा क्या हो जाएगा, और क्लोथ, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद इसकी पहचान करते हैं और इजीली क्या करते हैं, इसको हम चेंज करके ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब बात करेंगे पहले वर्ब्स के बारे में कि वर्ब थ्री टाइप्स की लगभग यूज करते हैं, तो पहले वर्ब बार आपको वर्ब्स अपनी जगह लिखा देते हैं, तो नोट डाउन इसको कर लीजिएगा, बेसिक रूल्स है। आपको होमवर्क देने से पहले सर आपको वर्ड पहचानना बहुत जरूरी है, तो जैसे कि हमारे पास कुछ वर्ब्स है, डेली मैं आपको फाइव वर्ब्स दूंगा या फाइव एग्जांपल्स दूंगा, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ हमारे पास वर्ब्स पड़े हैं, एब्यूज, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, इतने वर्ब्स तो उसका तीन फॉर्म होते हैं, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, गाली देना, इसका सेकंड फॉर्म होता है एब्यूज, एब्यूज, और थर्ड फॉर्म ही होता है एब्यूज। ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। आपको इसमें कोई कुछ नहीं कहता, बस इसे लर्न करना होता है मैक्सिमम। इसके बाद क्या है, एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, इसका भी थर्ड फॉर्म होता है एक्यूज, सॉरी सेकेंड फॉर्म एक्यूज, और थर्ड फॉर्म जो होता है एक्यूज। इसके बाद होता है अलाव, अलाव का मतलब होता है, अलाव का मतलब होता है आज्ञा करना, आज्ञा देना, जैसे आप लोग सुने होंगे आज्ञा देना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है अलाव, ए डबल L O W E D, allowed। इसके बाद थर्ड फॉर्म भी होता है allowed। इसके बाद आता है beat, जनरली beat हम यूज भी करते हैं,
the weakness that you cannot. Second formula that B. Second formula that B. A third formula that B. 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 इसके बाद होता है कॉल. जनरली आप लोग कॉल भी करते हैं मोबाइल फोन से सेल फोन से. कॉल कॉल मिस होता है बुलाना. सेकेंड फॉर्म होता है कॉल. थर्ड फॉर्म भी होता है कॉल. गो मिस होता है जाना. सेकेंड फॉर्म होता है बैंक. एंड थर्ड फॉर्म होता है कॉल. इसके बाद होता है राइट. राइट में होता है लिखना. सेकेंड फॉर्म होता है रिटेन. सॉरी वो सेकेंड फॉर्म होता है वो. एंड थर्ड फॉर्म होता है रिटेन. फर्स्ट तो ये कुछ हमारे जनरल इंग्लिश है जिसको कि हम हमेशा यूज भी करते रहेंगे. और भी जैसे मान लो एक और रहता है डू. डू मिस होता है करना. सेकेंड फॉर्म होता है डज. एंड थर्ड फॉर्म होता है डन. ये तो हमारे कुछ वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म. और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हमेशा यूज करेंगे वो थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ही होता है प्रेजेंट परफेक्ट. और इसके बाद जितने भी एक्टिव पैसे भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज करना है. तो जनरली क्या करते हैं ये सब कुछ आपके मीनिंग है और आपके सेंटेंसेस में जो भी मीनिंग आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा. लेकिन इसमें आप एक पॉइंट नोटिस कीजिएगा कि मैक्सिमम का जो होता है एटलीस्ट सेकंड फॉर्म में ईडी ऐड कर सकते हैं इजली. ये 100% श्योर नहीं है लॉजिक चल जाएगा बट ये मैक्सिमम चलते हैं. इसका थर्ड फॉर्म जो होता है सब में ईडी ऐड करते हैं मैक्सिमम में. जैसे कुछ ऐसा है डिलीट का होता है डिलीट का भी सेकंड फॉर्म डिलीट होता है. कॉल का होता है कॉल. कॉल थर्ड फॉर्म होता है. वो का होता है बेंट गॉन. ये कुछ ऐसे है जो मैं आपका पैरेंट्स लिखते हैं. जैसे इसके बाद एक और होता है सा. सा मिस होता है देखना. सॉरी सी. सी मिस होता है देखना. सी समुद्र नहीं समझना है देखने वाला. सी इसके बाद सर सेकंड फॉर्म होता है सा. इसके बाद थर्ड फॉर्म होता है से. ये तीनों कुछ ऐसे बस बहुत बहुत माइनर चेंज होते हैं. मैक्सिमम कहते हैं कॉल का है कॉल कॉल हो गया. इसके बाद अलाउड का अलाउड अलाउड हो गया. एक्यूज का एक्यूज एक्यूज हो गया. एब्यूज का एब्यूज हो गया. ये तीनों हमारे पहले यूज होते हैं. तो अब व्याकरण में आपको कुछ भी ऐसे बताता रहता हूँ जो भी सेंटेंस से पावर आएंगे. इस पर हम दो चार एग्जाम्पल भी देखेंगे. प्रोजेक्ट परफेक्ट है इसका फिर से. तो यहाँ पे कुछ आप इसको नोट डाउन इजी कर सकते हो चाहे वीडियो पॉज करके या फिर आप एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप यूज कर सकते हो उसको नोट डाउन कर सकते हो. इसके पहले आपको इससे बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे भी चलेंगे. जैसा इंडिकेटिव इंटरोगेटिव इजी बता सकते हैं. टेंस पूरा कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे एक्टिव पैसिव पे. इसके बाद कुछ बचेगा तो नरेशंस पे भी चलेंगे. तब जाकर हम पूरे कन्वर्सेशन फ्लो में आएंगे. तो जनरली हम आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. और वैसे मैं आपको डेली पढ़े 5 questions 5 minutes दूंगा जिसका आपको बहुत उसका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लर्न करना होगा. तो इसको आप मैं आप दो चार एग्जांपल से देख लेते हैं. ये प्रॉब्लम है हम लोग के साथ में या कह सकते लॉकडाउन की वजह से कि माइक्रोवेव फोन्स नहीं मिल रहे जिसमें वॉइस और क्लियर नहीं आ पा रही है. बट आप इजी अगर इसको बट आप इजी उसको देखोगे आप समझोगे तो समझ में भी आएगा. आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं अच्छे तरीके से या फिर आप अकेले में भी सुन सकते हैं देख सकते हैं. हाँ समझ में भी आएगा. इतना भी वॉइस क्लियर नहीं है मतलब अनक्लियर नहीं है. बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम साथ में ट्राइपॉड है अपने पास में कुछ भी चीजें ऐसे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट की कमी है. तो इसके लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस स्ट्रिक्टली रिलेटेड. बट ये कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ में सब सही भी होगा सब अच्छे तरीके से सही चलता रहेगा. जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करके टेंस के तो हम लोग देखेंगे. जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लिखूं
इसका मैं सबसे पहले आपका मीटिंग और कुछ लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में इजी हो। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा था, इसका लिखा था हैज हैप्पी वर्क या फिर है प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म। अभी आप लोगों ने देखा था कि वर्क का थर्ड फॉर्म कितने टाइम्स पे कैसे थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसका था ऑब्जेक्ट। इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये जैसा जैसा रूल हमारा कहता है वैसा सब करते हैं। जैसे फाइनल क्वेश्चन को मैं हिंदी पढ़ चुका हूं, मैं हिंदी पढ़ चुका हूं। इसके बाद एक सेकेंड फॉर्म है मोहन दिल्ली से, मोहन सॉरी मोहन आगरा से आ चुका है। मोहन आगरा से आ चुका है। थर्ड की बात करें हम तो हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, खेल चुके हैं। ये हम लोग तीन एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी। तो जैसा कि हम इधर एक बार लिख भी दे रहे हैं पिछले स्टार्टिंग से कि सिंगल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगलर आपका ये होते हैं, सिंगलर में आप कहते हैं ही सी इट एंड दे, किसी का भी हो जिसमें नेम उसका डिफाइन करते हैं। जैसे कोई कोई भी नाउन हो या नेम कह सकते हैं आप। नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अथवा स्थान के नाम कोई होते हैं, नाम या संज्ञा होते हैं। तो नेम जिसे किसी का हो, जैसे कोई भी नेम हो, रोहन हो, सोहन हो, माल्यास हो, ये सब किसी के सामने हम क्या है सिंगलर काउंट करते हैं। इसके बाद अगर प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में दो या दो से ज्यादा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट्स या कोई भी चीजें हैं हमारे पास तो उसको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इसके बाद अगर उसकी बात करें तो मैक्सिमम आई आता है, वी आता है, दे यू, इसके बाद किसी का मोर टू या मोर देन दो जो है उस ज्यादा कोई नाम नहीं होता है जिसका मार्ग है एक्सेट्रा। इस हमारे बात है सिंगल सब्जेक्ट का प्रश्न। अब उसके अब जाते हैं क्वेश्चन करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन क्या, मैं हिंदी पढ़ चुका हूँ, कैसे करेंगे। अच्छा पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके द्वारा कोई काम करते हैं, कोई काम किया जाता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो मैं क्या होता है आई। अब जैसे ही आई लगा तुरंत हम क्या करेंगे, अब इसमें हैप्पी मंथ चुन सकेंगे, हैश टैग का हैश लगेगा, आई को हम प्लूरल काउंट करते हैं, जब प्लूरल काउंट करते हैं तो हमारे साथ आई साथ हैश लगेगा, आई है। इसके बाद आता है थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखिएगा। वर्ब का इसमें जो जैसे आता है लिखता चलाऊंगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड का होता है रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, ये तीनों फॉर्म होते हैं रीड रीड। तो अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, रीड सर आई स्मॉल रीड, आई हैव रीड, क्या पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्या हमारा हिंदी, हिंदी है एच कैपिटल लेटर है हिंदी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें या सेकंड चर्चा की बात करें, इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है मोहन। अब मोहन के साथ हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा, तो अभी इसी बात की मोहन हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमारे साथ हैज यूज करते हैं, जैसा कि हम पहले रूल में लिख चुके हैं कि हैज होता है मोहन हैज। अब आने में क्या होता है, कम फर्स्ट फॉर्म होता है, केम सी एम केम सेकेंड फॉर्म होता है, फिर थर्ड फॉर्म भी होता है कम, कम केम कम ये थर्ड फॉर्म होता है। तो हम थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, कम ही यूज करेंगे, फिर से ही मोहन हैज कम कहां से आ चुका है, एक क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका से मर से मे पर ऐसा मैं पूछ सकते हैं। तो अब देखो क्या, कहां से आ चुका है, आगरा से, फ्रॉम आगरा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं तो हम लोग का क्या हमारा सब्जेक्ट, इसमें हम लोग हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं सब्जेक्ट हमारे सॉरी हम लोग का क्या होगा वी। इसके बाद हमारा हैज हैव लगेगा, तो अब इसकी बात है कि वी हमारा प्लूरल काउंट का प्लूरल होता भी है, तो वी हैव
वी हैव खेल चुके हैं, खेल खेलने का होता है प्ले होता है, प्ले का सर थर्ड फॉर्म क्या होता है प्ले, ऐसे कितना प्ले लिख रहा हूं प्ले प्लेड और थर्ड फॉर्म जो होता है प्लेड ही प्लेड 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 थर्ड फॉर्म इसमें क्या यूज करेंगे प्ले क्या खेल चुके हैं ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट क्रिकेट तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझ सकते हैं इंग्लिश को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं आप चाहो तो समझ सकते हो नोट डाउन कर सकते हैं यदि आपको कोई क्वेरी होती है कोई मैसेज इशू होते हैं कोई प्रॉब्लम होते हैं तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं आपके व्हाट्सएप से अपना कुछ भी ऐसा मैसेजेस लिख के भेज सकते हैं बट पैनिक होने की जरूरत नहीं है सब काम आराम से होगा कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा आप जैसे समझते हैं वैसा समझाना जो है आता है समझा भी सकते हैं आपको पढ़ा भी सकते हैं बट आपका कुछ रिस्पॉन्स आए कुछ फीडबैक आए तभी इस रिकॉर्डिंग को चलाए ठीक है इसको हम रेस करते रहे हैं अगर आपको नोट डाउन करा तो वीडियो पॉज कीजिएगा नोट डाउन करिएगा फिर आगे बढ़िएगा अब आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं पहले आप आज अपना वीडियो देखते हैं इसके बाद कल हम लोग इंटरव्यू देखेंगे इसके बाद सॉरी निगेटिव देखेंगे इसके बाद इंटरव्यू देखेंगे तो आपको कुछ होमवर्क देना है जैसे स्वभाव के कुछ फॉर्म्स आते हैं और सभी स्वभाव के फर्स्ट फॉर्म लगते हैं सिर्फ एक्टिव पैसिव पैसिव सॉरी पैसिव थर्ड फॉर्म यूज होते हैं इसके बाद जो सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट डेफिनेट में सिर्फ अफर्मेटिव ही होता है तो इसके जैसे फॉर्म्स बने हैं जिसके पास और भी कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनके जिसके पार्टिसिपल्स यूज करते हैं बट वो आपको तो यूज नहीं करना है ज्यादा डिग्री जाएगी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा इसलिए आपको इतनी जरूरत है स्टार्टिंग उतना बेसिक क्लियर करो फिर तो आगे हो जाए अब आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं जिसको आपको मैं थर्ड फॉर्म सारे का लिख दूंगा आपको करके दिखाना जैसे पहला क्वेश्चन है तुमने अपना काम किया है इसका थर्ड फॉर्म होता है करने का टर्म डू डज और ये होता है डन फर्स्ट फॉर्म डू होता है सेकंड फॉर्म डज होता है थर्ड फॉर्म डन अब ऐसे मैं लिखा भी चुका हूं इसके बाद सेकंड फॉर्म सेकंड क्वेश्चन है वे लखनऊ से आ चुके हैं वे लखनऊ से आ चुके हैं आने का मैंने बता तो रखा है कम केम कम इन फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म के कम का जिसका नहीं होगा उसका मैं लिख दिया मैं घोड़ा खरीद चुका हूं मैं घोड़ा चुका बाय बॉट बॉट थर्ड फॉर्म क्या होता है इसकी मैं यहां लिख दे रहा हूं बाय बियोलॉजिस्ट बॉट बॉट ये थर्ड फॉर्म होता है ये फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है थर्ड बॉट बियोलॉजिस्ट बॉट इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है हम लोग अपना पार्ट याद कर चुके हैं थर्ड फॉर्म क्या इसका इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है लर्न होता है लर्न इसका याद करना एल ई ए आर एन लर्न सेकेंड फॉर्म होता है लर्न एल ई ए आर एन ई लर्न थर्ड फॉर्म होता है लर्न इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है आपको जो होमवर्क में करना भी है श्याम
श्याम पत्र लिख चुका है। मैं बता चुका हूं राइट रोट और रिटेन। तो ये जनरली आपको पांच क्वेश्चंस करने हैं, इंडिकेटिव का सॉरी अफर्मेटिव का है। कल हम लोग नेक्स्ट टाइम में बताएंगे निगेटिव और इंटरगेटिव दोनों को एक साथ इंक्लूड करके को बता दिया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इसको अपडेट करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय स्टडी चैनल्स बिंग सेक्रेटरी। तो आज जो है क्लास सिक्स का एनवायरमेंट हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें है इंटरनल ऑर्गन्स द बॉडी। हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारा जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर के नाम से डिफाइन करेंगे। इंटरनल का मतलब क्या होता है, जो अंदर, जैसे कि अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, लीवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, हार्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के जो अंदर है, स्किन के बाहर नहीं है, तो हो जाएगा इंटरनल। ऑर्गन्स की बात करें, ऑर्गन्स बहुत सारी चीजें ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन, जैसे लीवर हमारे ऑर्गन में आता है, हार्ट में एक ऑर्गन में आता है, ये हमारे पार्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, हमारे सब ऑर्गन्स नहीं आते हैं बॉडी, हमारी बॉडी के जो है अंदर। अगर हम आपको बात करें तो आपको ये चीजें बुक तो आपके पास नहीं होगा, बट अगर मैं आपको इतना दिखाना चाहूँ, मेरी बुक दिख जा रही है आपको, तो आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको एक स्कैन करके इसका सारा सारा जो फोटो है, सारा जितने भी पेजेस है सबका मैं आपको स्कैन करके भेज दूँगी, जिसमें से आप पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बाकी जो ओरली जो मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ, जितना समझ में आया समझ सकते हैं, बाकी मैं आपको इसका पूरा फोटो खींच करके आपको भेज दिया जाएगा आपकी कॉपी। बस आप जुड़े रहिए, साथ में लगे रहिए, आपकी एग्जाम, आपके जो एजुकेशन उसका कभी कम नहीं होगा। देखिए चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन, जो हमारी बॉडी होती है जस्ट लाइक एक मशीन टाइप का होता है, जैसे मशीन में बहुत सारे वायर्स होते हैं, बहुत सारे उसमें पार्ट्स ऑर्गन्स, उसके भी अगर कह सकते हैं आप सिंपल भाषा में तो ऑर्गन्स ही होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है डिफरेंट टाइप्स के इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स में हमारे क्या होते हैं, बने करते हैं। इसके बाद क्या है, दीज ऑर्गन्स आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर एंड गाइड द डिफरेंट एक्टिविटीज इन द बॉडी। और ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जो बॉडी से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है कि जैसे कि आपके घरों में एक वायरिंग होती है, जिसमें से वन बाय वन करके एक एक जो वायर होता है आपस में कनेक्टेड होता है डायरेक्ट बोर्ड से। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी की जो ऑर्गन्स, जैसे लीवर है, लीवर कनेक्टेड रहता है हमारी बॉडी से, जिसके बाद लीवर है, ऑर्गन है, किडनी, सब चीज़ें हमारी जितनी भी बॉडी की हार्ट है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और जो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़ को नंबर, जैसे कि हमारा हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट कवर करता है, ब्लड प्यूरीफाई करता है, किडनी क्या करता है हमारे यूरिन को प्यूरीफाई करती है, या फिर जितने वेस्टेज होते उसको एक्सक्रीट करती है, या फिर हमारे जैसे कि, तो एक दूसरे को परफॉर्म एक्टिविटीज, एक के बिना दूसरे काम नहीं चलने वाला, एक रहेगा कभी दूसरा जो है वर्क कर सकता है। तो आगे हम ग्रुप ऑफ विच ऑर्गन्स विच परफॉर्म्स स्पेसिफिक इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। अगर हम आपको एक डेफिनेशन लिखें कि ऑर्गन सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, अगर हम आपको बात करें ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम या किसे कहते हैं, या इसका मतलब क्या होता है, या फिर क्या इसका अर्थ होता है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ दी ऑर्गन्स या ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स विच परफॉर्म specific task
स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम्स, इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें जो है ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स, जो कि ग्रुप होता है नंबर ऑफ ऑर्गन्स के, है ना, जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क को। स्पेसिफिक टास्क का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ग्रुप में हमारे से बॉडी के अंदर हार्ट है, किडनी है, लिवर है, स्टमक है, ये चीजें क्या करते हैं एक साथ मिल करके एक टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमारा जो हार्ट है ब्लड को प्यूरीफाई करता है, वो टास्क अपना कंप्लीट कर लिया। किडनी है हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को मैनेज करती है, वो अपना काम कर लिया। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क, यानी सब लोग मिल के जो एक काम करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी जितने बॉडी के हमारे पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स, वो एक साथ मिल करके सारे वर्क जो अपने कोई ना कोई काम करते हैं, जैसे टास्क करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हार्ट बीट काम करता है, हार्ट क्या करता है, प्यूरीफाई करता है, किडनी, ऐसे जो हमारे काम करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। अब जो नेक्स्ट आता है ऑर्गन सिस्टम्स होता है, ठीक है।